गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेथ मशीन। बहुत स्टूडेंटों को पता नहीं होता कि लेथ मशीन क्या होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे मशीन, लेथ मशीन क्या होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो बीटेक स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेथ मशीन। तो प्लीज़ देखिएगा, इसको देखिएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लेथ मशीन के। तो सर आपको बताएंगे, सर बताइए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें लेथ मशीन के। फर्स्ट जो है लेथ मशीन का पार्ट्स जो है, इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। ये वाला जो बॉक्स होता है, इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, पुली, गियर्स वगैरह, वी बेल्ट, कॉन पुली वगैरह, रोटेटिंग पार्ट होते हैं सारे। और ये स्पिंडल के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट में ये होता है चक, ये थ्रीजा चक है, इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सेंट्रिक चक भी कहते हैं। उससे आगे ये वाला होता है टूल पोस्ट, और ये टूल पोस्ट का हैंडल होता है। ये जो है टूल पोस्ट को हम फोर साइड मूवेबल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है ये कटिंग टूल, लोग बोरिंग टूल लगा हुआ है इस पर, और ये वाला आपका थ्रेडिंग टूल लगा हुआ है। ये टूल पोस्ट होता है, ये इससे जो नीचे की पोजीशन में ये होता है कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड से नीचे होता है क्रॉस स्लाइड, ये कंपाउंड स्लाइड का हैंडल होता है इसको चलाने के लिए इस तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के लिए। और ये इसके नीचे जो है ये क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड में आपका ये हैंडल होता है क्रॉस स्लाइड को बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने। यहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट सेट करते हैं। प्लीज़ देखते जाइए, सर बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए सभी। जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम रखा हुआ है, इसको बोलते हैं कैरिज। ये वाला पूरा ये कैरिज हैंडल होता है इस तरह से, इसको कैरिज को चलाने के लिए। देखिए कैरिज जो है ना, उससे मूव कर सकता है। देखो आगे पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है, दोनों साइड हो सकता है। देखो कितनी डिस्टेंस को आपको ले जाना है, टूल्स को कितनी दूर ले जाना है, वर्क पीस कितना लेंथ ही है, कि स्मॉल है, उस हिसाब से हम उसको सेट कर लेते हैं। ये काम होता है कैरिज का लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के लिए। ये कैरिज जिसके ऊपर सेट किया हुआ है, इसको बोलते हैं बेड। ये वाला बेड होता है। और ये नेक्स्ट जो है ये टेल स्टॉक होता है। इसमें ये टेल स्टॉक का स्पिंडल है, ये ड्रिल बिट लगा हुआ है, ट्विस्ट ड्रिल, होल करने के लिए। किसी भी जॉब को ड्रिल करना है, वो होल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ड्रिल फिट किया हुआ है। और ये फ्लाई व्हील, इसको स्पिंडल को आगे करने के लिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डेप बनाने के लिए। नेक्स्ट में ये बेड हो गया, और इनको बोलते हैं गाइड वेज। ये दो रॉड्स लगे हुए हैं, इस एक में थ्रेड बनी हुई है, एक में प्लेन है। तो जो प्लेन वाला है उसको हम बोलते हैं फीड शाफ्ट, ये वाला फीड शाफ्ट है। और ये वाला लीड स्क्रू, ये थ्रेड बनाने के काम आता है स्पेशल, और ये वाला आपका प्लेन टर्निंग के काम आता है। ठीक है, सही है। उसके बाद जो है ये जिसके ऊपर मशीन खड़ी हुई है, इनको बोलते हैं हम लेग्स। ये वाले होते हैं लेग्स, एक इधर है और एक इधर। नीचे इसका बेस होता है जो फर्स्ट में फाउंडेशन किया हुआ होता है। तो है। ये मेन मेन पार्ट्स आपके सर, इसका हेड स्टॉक का ना एक बार ओपन करके दिखा दीजिए कि बच्चे देख लेंगे कि हेड स्टॉक के अंदर क्या क्या होते हैं इसमें। ये हेड स्टॉक है, और इसके अंदर ये वाले देखिए अंदर क्या क्या चीज़ है। देखो ये है, एक तरह गियर्स हैं। ये देखो ये रोटेटिंग पार्ट है, ये गियर है, ये वाला आपका कॉन पुली है, ये कॉन पुली है, और ये वी बेल्ट, बेल्ट इस पर चलती रहती है। ये रोटेटिंग पार्ट होते हैं, ये तीन स्टेप में होते हैं, स्पीड को स्लो और फास्ट करने के लिए। ये वाला जो गियर है ये भी स्लो और फास्ट करने के लिए होता है। और ये टाइप्स ऑफ गियर में इस टाइप के जो टीथ होते हैं उनको हम हेलिकल गियर बोलते हैं। ठीक है, जो सीधा टीथ होता है उसको सुपर गियर बोला जाता है। ठीक है, ये तिरछे टीथ होते हैं तो हेलिकल गियर, इसमें ये हेलिकल गियर लगे हुए हैं स्पीड को स्लो और फास्ट करने। ठीक है सर, इसमें सर ऑपरेशन और बता दिए थोड़ा, आप कर रहे थे ना, ये थोड़ा चला के दिखा दिए, बच्चे भी देख लेंगे एक बार। मैं उधर से आ जाता हूँ, उधर एंड से देखिए स्टूडेंट, देखिए कैसे इसमें ना ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ड्रिलिंग होती है, टर्निंग होती है, थ्रेडिंग होती है, उस हिसाब से ऑपरेशन होते हैं लेथ मशीन पर। तो आप देख सकते हो अभी प्रैक्टिकली कि ये वर्क पीस पे कैसे थ्रेडिंग कैसे होगी। देखो वर्क पीस लगा हुआ है पहले से ही ऑटोमेटिक। अभी थ्रेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मशीन को आपको ऑन करना है। देखो वो इस तरह से थ्रेडिंग जो है साथ बनता जा रहा है।
देखो थ्रेडिंग बनती आ रही है, देखिए ध्यान से देखो, टूल लगा हुआ है, टूल टच हो रहा है और वर्क पीस पे देखो थ्रेडिंग बनती आ रही है ऑटोमेटिक। आ रहा है सभी को समझ में? देखिए थ्रेडिंग बनती आ रही है, ध्यान से देखो बन रही है। और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जल्दी आता हूँ, देखो बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझाया है सर ने। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, वर्कशॉप में कभी जाओ तो बनते हुए देखिएगा अपने हाथ से बनाना। ओके स्टूडेंट, अच्छी लगी हुई वीडियो तो शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, से सब्सक्राइब करिएगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।